हेलो दोस्तों, आज हम जो बनाने वाले हैं वो है चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी के अंदर देखिए, ये जो ऑयल था ना, इसके अंदर हमने ऑनियन फ्राई किया था और उसी ऑयल के अंदर हमने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद हम ये उसी ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ये रिफाइंड ऑयल है और हम देखिए चिकन फ्राई कर लिया है हमने। और अब ये चिकन फ्राई के बाद हमने ये उसी ऑयल के अंदर तेज़पत्ता डाला और थोड़े से हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर और उसके बाद दालचीनी थोड़ी सी और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमने कर्ड डाला है, कर्ड को अच्छे से फेंट लिया था हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही मिक्स होने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब आगे की तरफ चलते हैं हम। अब इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और ये हमने लेमन, नींबू को काट के, एक लेमन को हमने 4 साइज में काटा है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीन चिली डाली, ग्रीन चिली भी हमने थोड़ी मोटी साइज़ के लिए जो स्पाइसी कम होती है। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाली पीली मिर्च, जिसको येलो मिर्च बोलते हैं। अब इसके अंदर हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर सौंफ, सौंफ को पीस के हमने डाला है इसके अंदर। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर उबाल आने देंगे। और उसके बाद हम ये गरम मसाला डाल देंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। देखिए, गरम मसाला आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। और ये जो हमने ऑनियन फ्राई किया था पहले, जिस ऑयल के अंदर हमने चिकन फ्राई कर रहे थे, हमने ऑनियन पहले फ्राई करके रख लिया था और हमने ये ऑनियन फ्राई डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसी पानी के अंदर हमें अभी राइस भी डालना है। और राइस को आप मिनिमम 1 आवर के लिए तो आप उसको सोक करके रखिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो फ्राई करा वाला चिकन था वो चिकन डाल दिया है, ताकि जो भी चिकन के अंदर अभी थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया हो वो इस ग्रेवी के अंदर पक जाए। तो हमने सारा चिकन डाल दिया। देखिए लेमन, और ये देखिए इसके अंदर हम अच्छे से उबाल आने देंगे। ऑयल देखिए हल्का हल्का ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हमने जो चावल हमने भिगो के रखे थे, हमने चावल को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगा के रखा है। और चावल को अच्छे से हम धो के भिगो के रखेंगे और चावल लास्ट में डाल देंगे। ये देखिए, ये राइस जो है ये पक्का चावल है। पक्का चावल जो होता है वो टूटता नहीं है जल्दी। अब इसको हम लीड लगा के रख देंगे। अब हम इसको लीड लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर चेक किया हमने तो इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत इसकी थोड़ी सी इसको पकना बाकी रह गया है। और पानी ज़्यादा नहीं डालना है, पानी हमें बैलेंस करके डालना है, ताकि हमारा जो सारा पानी है वो चावल के साथ ऑब्जर्व हो जाए, सारा पानी उसके अंदर चले जाए।